अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइकन टावर के पास, इब्न कासिम पार्क क्लिफ्टन, उसके बाहर ही। आप पीछे आप व्यू देख सकते हैं, ये सिर्फ फैमिलीज के लिए अलाव है पार्क, इसलिए बाहर ही हैं सर। अच्छा, मुझे आज की वीडियो जो मैंने बनाई है तो उसका एक मकसद है। मैं ये देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स, मुझे काफ़ी लोग मिले जूनियर मुझसे, वो बहुत डिसहार्ट हुए हैं आजकल के हालात के हिसाब से। तो मैं कुछ उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि आप पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। आप ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, लेकिन आप पढ़ाई ना छोड़ें, उसको कंटिन्यू रखें। तो इससे ये होगा कि आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ाई, स्टडीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ। किसी भी उम्र में, कहीं पे भी दुनिया में, आपकी स्टडी जो है ना, पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। तो ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि मैं पढ़ाई छोड़ के कुछ हालात की तरफ चला जाऊँगा। भाई, हालात आगे चल के वल्लाहु आलम कैसे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पढ़ाई आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आप, मेरे हिसाब से तो यंगस्टर्स के लिए मेजॉरिटी ये सोच रही है कि हम अपने घर के एक्सपेंसेस, जा रहे हैं महंगाई इतनी है तो एक्सपेंसेस कैसे पूरे करें। तो इसके ये लिए यही है कि आप पार्ट टाइम कुछ भी काम कर सकते हैं जो आपको पार्ट टाइम मिल रहा है, लेकिन आप अपनी स्टडी ना छोड़ें। स्टडी छोड़ेंगे तो आगे चल के फ़िलहाल आपको 25-30 जॉब मिली जाएगी, लेकिन अगर आपके पास स्टडी आपकी कम्प्लीट होगी तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, वरना एक टाइम आएगा कि आप इसी जगह पर रुक जाएंगे और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। तो मेरा तो सबको यही बोलना है कि स्टडी करते रहिए, और बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर, कोशिश करते रहें कि आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, जहाँ अच्छा कुछ मिले, स्कोप मिले। और टाइम इज़ मनी, अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं यही बोलना चाहूँगा लोगों को कि आप टाइम जो हम लोग जो अपना वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेकार है। टाइम ना वेस्ट करें, टाइम बहुत कीमती है हम सब के लिए। तो अभी से कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। हालात सारी दुनिया के ख़राब हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें अपने लिए, कुछ डिफरेंट करें, ताकि हम शॉर्ट टाइम में भी हम पैसे कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि हम पार्ट टाइम में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बाहर से आए हैं, जैसे हैदराबाद से यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे यूट्यूबर बन गए, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो आप भी मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को भी, कि सबको कि कुछ ना कुछ करते रहें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।